उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े का शरबत। शरबत है गुड़ का शरबत और ये बहुत अच्छा होता है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी तासीर जो है वो ठंडी है, तो प्लीज़ गर्मियों में ज़रूर बना के रखें, अफ्तार के बाद ज़रूर पिएं इसको, ताकि जितनी आपकी गर्मी जो पड़ रही है इससे हम बच सकें। चले तो अब हम स्टार्ट करते हैं। गुड़ मैंने लिए हैं 3 डलियाँ गुड़ की लेके, उसको मैंने क्रश करके रख लिया है। 2.5 गिलास मैंने पानी लिया है, 3 चमचे मुझे लेमन जूस के चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े का शरबत। शरबत है गुड़ का शरबत और ये बहुत अच्छा होता है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी तासीर जो है वो ठंडी है, तो प्लीज़ गर्मियों में ज़रूर बना के रखें, अफ्तार के बाद ज़रूर पिएं इसको, ताकि जितनी आपकी गर्मी जो पड़ रही है इससे हम बच सकें। चलें तो अब हम स्टार्ट करते हैं। गुड़ मैंने लिए हैं 3 डलियाँ गुड़ की लेके, उसको मैंने क्रश करके रख लिया है। 2.5 गिलास मैंने पानी लिया है, 3 चमचे मुझे लेमन जूस के चाहिए, 1/2 चम्मच मुझे काली मिर्च चाहिए, आप साबुत भी ले सकते हैं, पिसी हुई भी ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, पुदीने की 12 पत्तियाँ ली हैं, 4 इलायचियाँ ली हैं जी। तो 3 डलियाँ जो मैंने गुड़ की क्रश करके रख ली हैं, इसके ऊपर ये जो 2.5 गिलास मैंने पानी लिया है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखें इस तरह से डाल के, ताकि गुड़ थोड़ा नरम हो जाए। ये देखिए इस तरह से मुझे इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा ये नरम हो जाएगा, फिर मैं इसको ब्लेंडर में डालूंगी। चले ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो है हमारा, ये मैं थोड़ी देर छोड़ी हूँ ताकि थोड़ा घुल जाए जी। तो सेकंड स्टेप में जो है हमारे, मैंने देखा है खाली कप लिया है, इसके अंदर मैं डाली हूँ पानी। 2 चमचे आप पानी डाल लें इसमें। इसमें हमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, ये देखें इस तरह से ये मैंने इसको मिलाया। अब हमें लहसुन अदरक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लहसुन अदरक का पानी चाहिए। अब मैं इसको छान लूँगी जी। तो मैंने लहसुन अदरक छान लिया है, ये देखें अब ये बस इसका पानी रह गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप आ गया जी। तो आप देख लें गुड़ जो है काफ़ी हद तक घुल चुका है, अब मैं इसको डालूँगी ब्लेंडर में जी। तो मैं पानी जो है ब्लेंडर में डाल रही हूँ, और फिर गुड़ भी डाल रही हूँ ये वाला। जी तो ये जो लहसुन अदरक का पानी था मैं ये डाल रही हूँ इसमें, देखें इस तरह से। इसके बाद मैं 3 चमचे लेमन जूस के डाल रही हूँ, ठीक है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्चें पीसी हुई, पुदीना, इलायचियाँ, सौंफ का पाउडर और काला नमक। अब मैं इसको कर लूँगी ब्लेंड। को छान रही हूँ क्योंकि हमें पुदीना और ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ये देखें इस तरह से मैंने इसको छान लिया, इस तरीके से हो गया है। जो इसके ऊपर सौंफ का जो ज़र्रात आ रहे थे मैंने वो भी छान लिए हैं। पहले मैंने कितने ग्लास डाले थे, 2.5 गिलास डाले थे पहले मैंने 3 गुड़ की डलियों में, अब मैं 2 और डाल रही हूँ तो ये होगा 4.5 गिलास। और 1/2 गिलास जो है वो अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना के जो डाला है, तो समझें आप 3 गुड़ की डलियों में 5 गिलास बनेंगे आपके। ये देखिए ये मैं 2 गिलास डाल ली हूँ इसमें, बस अच्छे से मिला लें। ये हमारा गुड़ का शरबत तैयार है, शरबत है बिल्कुल तैयार, बहुत अच्छा बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गर्मियों का तोड़ है, रोज़े में बच्चों को दें ताकि उनको गर्मी ना लगे, और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।